हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे दिव्यांग को अंत्योदय राशन कार्ड के बारे में। अब जो है, दिव्यांग का अंत्योदय राशन कार्ड बनना शुरू हो गया है। अंत्योदय राशन कार्ड कैसे बनता है, इसकी सभी प्रक्रिया की जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें और दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। वे राशन का कोई सामान नहीं खरीद पाते हैं, इस कारण उनके व उनके परिवार का पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना का आरम्भ किया है, जिसके माध्यम से गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को कम कीमत पर राशन वितरण किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ 25 दिसंबर सन 2000 के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रारंभ में शामिल किया गया था, लेकिन अब अंत्योदय अन्न योजना में दिव्यांगों और बुज़ुर्गों को भी शामिल किया गया है। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं और अभी तक आपको अंत्योदय राशन कार्ड नहीं बन पाया है, जिससे कि आपको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि अंत्योदय राशन कार्ड कैसे बनेगा और आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या होंगे, अंत्योदय राशन कार्ड के पात्रता क्या है। इस सभी के बारे में विस्तार से वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अंत्योदय राशन कार्ड में आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य विभाग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। हम यहां उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं। आप जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य की वेबसाइट में जाकर आवेदन करा लें। अगर आप अपना राशन कार्ड खुद से ऑनलाइन नहीं कर सकते, आवेदन नहीं कर सकते, तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। यूपी के अंदर जो इसकी वेबसाइट है fcs.up.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद पूछे गए सभी जानकारी को अच्छे से भरना होगा। सभी जानकारी अच्छे से भरने के बाद आवेदक को फॉर्म के निर्धारित सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन कॉपी करके अटैच करना है। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म और मांगे गए सभी दस्तावेज को खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। खाद्य विभाग कार्यालय में अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन फॉर्म को चेक किया जाएगा। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक निर्धारित समय के बाद आपका अंत्योदय राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से अंत्योदय राशन कार्ड में आवेदन करने की सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको अपना अंत्योदय राशन कार्ड बनाना है तो सबसे पहले आपके पास जो एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर किसी के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो वो अपना आय प्रमाण पत्र जनसेवा केंद्र पर जाके ऑनलाइन करा दे और उसमें जो इनकम कम से कम होनी चाहिए, या आप डायरेक्ट पटवारी से भी बात कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, उसके बाद फिर आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, छोटा पासपोर्ट फ़ोटो जो होता है वो फ़ोटो होना चाहिए, और आपके पास जो है कच्चा मकान होना चाहिए और आप जो है गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होने चाहिए। और दोस्तों, ये जो है आप अपने डीलर से भी, जो डीलर होता है जो राशन बांटता है, उससे जाके बताइए और ये भी इस काम को करा सकता है। आप या तो ऑनलाइन करा के अपने डीलर को दे दें, या आप अपने ज़िले के अंदर जो है एक राशन विभाग होता है, एक ऑफिस होता है, वहाँ जाके अपने कार्यालय में जमा कर दें। और जमा करने के बाद कुछ दिन के बाद जो आपका अंत्योदय राशन कार्ड चालू हो जाएगा। और अंत्योदय राशन कार्ड के जो फ़ायदे हैं, इसके अंदर अगर आपका एक यूनिट है या दो यूनिट है तो आपको 35 केजी राशन मिलता है बिल्कुल फ्री में। अगर आपका बिना अंत्योदय का राशन कार्ड होता है तो उसमें यूनिट के हिसाब से मिलता है। अगर आपका एक यूनिट है तो उसके अंदर आपको 5 केजी एक यूनिट पर मिलता है, और अंत्योदय राशन कार्ड के अंदर जो है 35 केजी बिल्कुल फ्री में राशन मिलता है, आपके यूनिट एक हो या दो हो। आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
साइड में बेल आइकन को भी दबा दें, इससे क्या होगा जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।